मनोकामना की पूर्ति के लिए भगवान सूर्य का व्रत रखें, कहानी सुनें। अगर व्रत भी नहीं रख पा रहे हैं तो सूर्य उदय से पहले उठ जाएं और भगवान सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाएं, अर्घ जरूर दें और कथा सुनें। इससे भी व्रत करने जितना ही फल मिलता है। शनिवार को सुनी जाने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक बुढ़िया माई थी जो हमेशा कार्तिक नहाती, बैसाख नहाती, माघ का महीना पूरा नहाया करती थी। उसके घर में बहुत सुख समृद्धि थी। उसका घर सभी तरह के ऐश्वर्य से परिपूर्ण था। बुढ़िया का नियम था, हर रोज हर रविवार को वह सवेरे जल्दी उठ जाती और पड़ोसन के यहाँ गायें थी और उसके गायें के गोबर से अपने घर को लीपती थी। उसके बाद ही भोजन तैयार करती थी, भगवान सूर्य नारायण को भोग लगाती और उसके बाद स्वयं भोजन करती। ऐसा व्रत करने से उसका घर धन धान्य आनंद से पूर्ण था। इस तरह कुछ दिन बीते। उसकी पड़ोसन ने सोचा कि यह वृद्धा हमेशा मेरी गाय का गोबर ले जाती है, इसीलिए जेलसी की वजह से उसने अपनी गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। बुढ़िया को गोबर नहीं मिला। रविवार को उसने ना तो अपने घर को लीपा, ना ही भोजन बनाया, ना भगवान को भोग लगाया और ना ही खुद कुछ भी खाया पिया। बिना खाए पिए ही वह निराहार रहकर सो गई। भूखी सोई हुई थी तो रात को भगवान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए। सूर्य भगवान ने भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का बुढ़िया माई से कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बताया कि भगवान, आज मुझे गोबर नहीं मिला जिसके कारण मैंने ना तो घर लीपा, ना भोजन बनाया, ना खुद खाया, ना आपको भोग लगाया, क्योंकि मेरे पास गाय ही नहीं है। तब भगवान ने खुश होकर उसे गाय दी। एक गाय देकर वह अंतर ध्यान हो गई। सपने में उसने गाय का आशीर्वाद प्राप्त किया था, तो जब सुबह वृद्धा की आंख खुली तो वह देखती है उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं। गाय और बछड़े को देखकर बुढ़िया माई बहुत खुश हुई। उनको घर के बाहर ही बांध दिया, वहीं खाने का चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर अति सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह द्वेष के कारण उसका हृदय फिर से जल उठा। उसने देखा कि गाय ने सुबह सोने का गोबर किया है, तो पड़ोसन ने उस गाय का गोबर अपनी गाय की गोबर से बदल दिया। सोने का गोबर तो वह घर उठा कर ले गई और अपनी गाय का गोबर उसकी गाय की जगह रख दिया। बूढ़ी माई सीधी सादी थी, उसे इस बात की कोई खबर नहीं थी। वह यह सब ईश्वर की ही बात सोच रही थी और उसने पड़ोसन की चलाकी को ना जान पाई। रविवार का दिन आया, उसने उसी तरह से घर को लीपा, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, खुद भी भोजन किया। जब भगवान ने देखा कि बुढ़िया माई पड़ोसन के द्वारा ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने अपनी माया से एक दिन बहुत जोर से आंधी चलाई। बुढ़िया ने आंधी की वजह से गाय और बछड़े को अपने घर के अंदर ही बांध लिया। सुबह उठकर देखती है कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया हुआ है। उसे देखकर तो उसकी आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं रही। वह हर रोज गाय को अब भी घर के अंदर ही बांधती थी। जब पड़ोसन ने देखा बुढ़िया तो गौ को बाहर ही नहीं बांधती है और अंदर बांधती है और ना ही उसे सोने का गोबर उठाने का कोई मौका मिल रहा है, तो ईर्ष्या से वह और भी जल उठी। उसने कुछ उपाय सोचा और राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरी पड़ोस में एक बूढ़ी माई है, उसके यहाँ ऐसी गाय है जो राजाओं के यहाँ होनी चाहिए। वह गाय हर रोज सोने का गोबर देती है, आप उस सोने से प्रजा का पालन कर सकते हो। उस वृद्धा को इतने सोने की क्या जरूरत है? राजा ने उस औरत की बातें सुनी तो उसे उसकी बातें अच्छी लगी और राजा ने उसकी बात सुनकर अपने दूतों को बूढ़ी माई के घर में से गाय लाने की आज्ञा दी। बूढ़ी माई सुबह भगवान को भोग लगाकर भोजन ग्रहण की करने जा रही थी। राजा के कर्मचारी गाय खोलकर ले गए। बूढ़ी माई काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष उसका कोई भी जोर न चला। वह रोती और चिल्लाती ही रह गई। फिर उसने भगवान जी से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी गाय और बछड़ा मुझे दोबारा से वापस मिल जाएं और पूरी रात
वृद्धा गाय और बछड़े को याद करके रोती रही, भगवान जी से प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बहुत ही खुश हुआ, लेकिन जब राजा सुबह उठकर देखता है पूरा महल गोबर से भरा हुआ है। राजा इतना सारा गोबर देखकर घबरा गया। भगवान ने रात को राजा के स्वप्न में कहा, राजन उस बूढ़ी माई को यह गाय जल्दी से लौटा दे, उसके रविवार के व्रत करने से और विशाख नहाने की वजह से ही मैंने उसे गाय दी है। सुबह उठते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मान किया और उसकी गाय व बछड़ा लौटा दिया। उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से पूरे गोबर की गंदगी दूर हो गई। उस दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य में सभी लोग अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए वैशाख नहाएं, रविवार को सुबह जल्दी उठकर नहाएं, सूर्य भगवान को अर्घ दें, व्रत करें। इससे सभी लोग सुखी हो पाएंगे, कोई भी बीमारी नहीं होगी, प्रकृति का प्रकोप नहीं होगा और पूरे नगर में खुशी खुशी होगी, सारी तरफ समृद्धि ही समृद्धि होगी। अब तो पूरी प्रजा को अपने घर को गोबर से लीपने लगी। जैसी भगवान ने उस बुढ़िया की मदद की वैसे सबकी करना, वैसे सबके अन्न धन के भंडार भरना। इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सभी की सुख समृद्धि से घर भर देना, हे भगवान यही हमारी सबकी कामना है। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय।